हेलो सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि बबलू भाई ऑटोमेटिक क्यों आ गए बाइक से। बाइक का पर्पस है दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, दोस्तों जितने भी आप सभी के पास ओल्ड बाइकें हैं, यानी जो जेन्युइन है बाइकें हैं, जो न्यू बाइकें हैं, उन सब में ओल्ड बाइकों में या न्यू बाइकों में जो है डिफरेंट है। अभी क्या डिफरेंट है वो मैं आज को बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप न कीजिएगा। अगर चैनल पे आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता। जी हाँ दोस्तों, तो ओल्ड बाइक का आज जो है हम जनसेवा केंद्र पे चलेंगे। यहाँ से ऑनलाइन अभी क्या चल रहा है इंडिया में, जैसे जितने भी ओल्ड बाइकें हैं 2020 यानी 20 के बाद की जो नई बाइकें हैं, जो 2020 के अंदर की बाइकें हैं, वो सब में अभी फास्ट टैग चल रहा है। ठीक है, तो फास्ट टैग चल रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप अगर जनसेवा केंद्र पे जाएंगे तो फास्ट टैग का यहाँ पे देखिए, एक फास्ट टैग का लोगो लगेगा, ये ओल्ड बाइकें हैं, जबकि न्यू बाइकों में फास्ट टैग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है। तो ये जो ओल्ड बाइक है यहाँ पे फास्ट टैग लगेगा जब आपको, तो उसका जो है एक ऑनलाइन फॉर्म जनसेवा केंद्र से आपको डलवाया जाता है, तो उसका जो चार्ज है आई थिंक 400 या 450 रुपये के बराबर है ऑनलाइन फॉर्म। तो जहाँ से आप लोगों ने जो है बाइक को परचेज किया है उस जगह की जो है आपकी एक ईमेल सेंड की जाएगी, समझ सकते हैं, उस ईमेल के थ्रू ही आपको जो है एक फास्ट टैग आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज वीडियो बनाने का पर्पस यही था दोस्तों कि आप लोग जो है जितने भी मेरे फ्रेंड हैं, भाई बंधु हैं, अगर पुराने बाइकें हैं उनके सभी के पास, तो वो जो है फास्ट टैग लगवा सकते हैं, नहीं तो उनको जो है आगे चल के जो है दिक्कत हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आई थिंक हमको भी दिक्कत हुआ है कई जगह, इसीलिए आप जो आए फास्ट टैग लगवा लें। जैसा कि देख सकते हैं हमारी बाइक जो है रेडी है, अभी हम फास्ट टैग के लिए निकल रहे हैं। सही है, हमारा जो प्रोसेस था वो आ चुका है। जनसेवा की रही गई बात, तो हम बताते हैं क्या प्रोसेस है। चौराहे पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है बहुत प्रकार के जनसेवा केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है। आप वहाँ पर जा कर के आप जो भी ऑनलाइन फॉर्म है आपका, आप वहाँ पे इशू करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि वहाँ से इशू करवाने के बाद जहाँ भी आपका अपॉइंटमेंट मिलेगा आप वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जनसेवा केंद्र का मतलब क्या होता है, क्या क्या किस टॉपिक पे आपका जो है वो काम करता है वो मैं बताऊँगा। जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मित्र प्रमाण पत्र, आपका जो भी जन्म प्रमाण पत्र है, रेलवे से लेकर आई बुकिंग तक, रेलवे फ्लाइट तक, जो भी है बुकिंग यानी ऑनलाइन की जितनी भी पोर्टल है, वो सभी जो है जनसेवा केंद्र ही आपको प्रोवाइड करवाती है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जो है ऑनलाइन फॉर्म, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जितने भी ये सब कार्ड हैं आपको वहाँ से ही प्रोवाइड होंगे, आपको कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं, भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फास्ट टैग की हमने जो बात की वो आपको इस प्रकार से इशू करवाना है, उसी जनसेवा केंद्र से ही आपका जो है फास्ट टैग जो है ऑनलाइन होगा। उसके बाद जो है जहाँ जिस भी अदरवाइज आपके जैसे जहाँ पे आपका एजेंसी है बाइक का नियरेस्ट, वहाँ पे आपको जो है एक टाइमिंग दिया जाएगा, वहाँ पे जो आप जा करके ऑनलाइन से फास्ट टैग लगवा सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम जो है पंजाब नेशनल बैंक पे गए थे, अब बैंकों का अभी सिचुएशन क्या बदल गया दोस्तों, यानी 20,000 के अंदर आप निकालते हैं तो आपको डायरेक्ट फॉर्म भर के जो है निकाल लेना पड़ेगा। अगर 20,000 से अप डाउन ऊपर करते हैं यानी अराउंड 22,000 या 25,000 या 30,000 या 40,000, जितने भी अगर 20,000 से आप ऊपर जा रहे हैं, तो उसमें से जो है आपको प्रॉपर से एक प्रकार का टोकन दिया जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मेरे हाथ में भी वही टोकन है। तो वो टोकन जो है आपको ले करके साइड में एक काउंटर होता है, वहाँ पे जो आप जा करके तुरंत जो है आप अपना पेमेंट ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप इस प्रकार से किसी भी बैंक में आपको इसी प्रकार का जो है पेमेंट मेथड जो है दिया गया है, यानी 20,000 से डाउन निकालते हैं तो आपको फॉर्म भर के जो है डायरेक्ट लाइन में लग के लेना पड़ेगा, और 20,000 से आप ऊपर निकालते हैं तो आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं, एक टोकन दिया जाएगा आपको, उसी के हिसाब से आप जो है अपना पेमेंट निकाल सकते हैं। तो ये था आज इस दिन का जो है हमारा जर्नी का, जो भी मैंने सिचुएशन बताया मैंने आप सभी को, ये मैं खुद करके आ रहा हूँ दोस्तों। आए दोस्तों की वीडियो बेहद पसंद है, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, देखिए जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय टाटा, चलते हैं घर नहीं तो हो जाएगा घाटा। बाय बाय।